इनके लिए गए इस नोटबंदी के फैसले को लेकर देश में ये आम चर्चा है कि बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, उस समय तो पीएम नहीं थे, इलेक्शन चल रहा था सन 2014 में, तो इनके लिए गए इस नोटबंदी के फैसले को लेकर देश में यह आम चर्चा है कि बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य चुनावी वायदे किए थे, तो उनका इन्होंने अपने लगभग 2.5 वर्षों के शासनकाल में, कार्यकाल में, अभी तक 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया, जिसका इनको देश के उत्तर प्रदेश व अन्य 4 राज्यों में बहुत जल्दी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान होने की भी पूरी पूरी संभावना थी, ऐसा ये लोग महसूस कर रहे थे अपनी कमियों की वजह से, जिसे ध्यान में रखकर ही अपनी इन कमियों व विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही इन्होंने बहुत जल्दबाजी में व बिना पूरी तैयारी के ही देश में 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का फैसला ले लिया, जो ये इनको काफी उल्टा ही अब पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि शायद इनको इससे फायदा हो जाएगा, राजनीतिक फायदा हो जाएगा, जो ये इनको काफी उल्टा ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस मामले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी संसद में अपने विरोधियों को जवाब देने से कतरा रहे हैं।